स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों अल जजीरा के पत्रकार गाजा में चल रही जंग के बीच बेबाक और सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। इसराइल के जालिमाना हमलों को दुनिया के सामने बता रहे हैं, जिससे इसराइल जो अपने आप को सबके सामने अच्छा बताने की लगातार कोशिश करता है, लेकिन करता वही है जो इसे ठीक लगता है। और आप सभी को तो पता ही है कि इसराइल को क्या अच्छा लगता है, बच्चों को मारना, बूढ़ों पर जुल्म करना। अब खबर आ रही है दोस्तों कि गाजा के अल जजीरा के 6 पत्रकारों को इसराइल ने अपने निशाने पर ले लिया है, उन्हें आतंकवादी तक घोषित कर दिया है। आगे मैं आपको इनका नाम भी बताने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर ये जो 6 पत्रकार जो इसराइल का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने ला रहे हैं, ये वो पत्रकार है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर गाजा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसराइल का कहना है कि हमास के आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। इसराइल का यह भी कहना है कि इनको ट्रेनिंग दी गई है और इनको हमास की तरफ से सैलरी तक दी जा रही है। जब कोई पत्रकार किसी सरकार की निंदा करता है या उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो सरकार उसे आतंकवादी ही बुलाती है। ऐसे ही ये पत्रकार इसराइल सरकार जो हमास के लोगों पर जुल्म कर रही है उन सब खबरों को ये दुनिया को बता रहे हैं। तो इसराइल सरकार इन पत्रकारों को आतंकवादी कह रही है। इन 6 पत्रकारों के नाम है दोस्तों अल शरीफ, तलाल अरुकी, अल सलामा, होसम शबाद, इस्माइल फरीद और अशरफ सरज। अल जजीरा ने इसराइल के दावे को खारिज करते हुए कहा, अल जजीरा इसराइली सेना द्वारा हमारे पत्रकारों को आतंकवादी के रूप में चित्रित करने को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है तथा उनके द्वारा गढ़े गए साक्ष्यों के उपयोग की निंदा करता है। आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि इसराइल ने यह तक कह दिया है कि हमास में होने वाले हमलों में इन 6 पत्रकारों को भी निशाना बनाया जाएगा, यानी कि इनको भी मार दिया जाएगा। दोस्तों आप सभी की इस खबर के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर बताएं। आज की इस खबर में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आप सभी को किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आपकी दुआओं में मुझे याद रखिए।